नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। और हमारा सेशन चल रहा था RRB NTPC के लिए, और पटवार के लिए भी चल रहा है और CTET के लिए भी चल रहा है। ठीक है, तो सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन एक वीक में दो दिन NTPC की होती है, दो दिन CTET की और तीन दिन आपके पटवार की क्लासेज होती है। थोड़ा सा समय ना होने की वजह से रेगुलर आपकी क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन जल्दी ही हम क्या करेंगे, रेगुलर क्लास आपकी कर देंगे, पटवार वाले भी कर देंगे और CTET और NTPC वाले भी कर देंगे। NTPC का लगभग कोर्स आपका हो चुका है, 10% बस कोर्स आपका बाकी है। एग्ज़ाम डेट अभी कोई फाइनल नहीं हुई है, तो उसको देखते हुए हम धीरे धीरे कोर्स को करते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपने देखी होंगी। सिर्फ आप अगर वीडियो को ही देख लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और आपको सिर्फ बिलीव करना है, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, आज एक हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे NTPC के लिए, जो ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए तो बेस्ट है सभी के लिए, और फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर होने वाला है आगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पॉलीनोमियल यानी बहुपद के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा, बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा आपको। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें। प्ले लिस्ट के अंदर पटवार की है, CTET की है, ट्रिक्स की है, सब प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ जाकर आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना है, जिससे कि हमारी YouTube फैमिली क्या हो सके, बड़ी हो सके और हम रेगुलर क्लास को और आपके लिए नई क्लासें लेके आ सकें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पॉलीनोमियल यानी बहुपद। तो चलिए मैं टॉपिक लगा लेता हूँ और ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है पॉलीनोमियल? ठीक है, यानी बहुपद। अब नाम से अगर स्पष्ट है कि बहु मतलब बहुत सारे, पद का मतलब पद, यानी बहुत सारे पद। अगर बहुत सारे पद किसी इक्वेशन में हैं तो हम ये कह सकते हैं सर ये बहुपद है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत सारे पद नहीं है तो बहुपद नहीं है। इसका मतलब अगर एक पद है तो भी वह बहुपद होगा, अगर दो पद है तो भी वह बहुपद है, अगर दो से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी तो भी वह क्या है, बहुपद है। इसका मतलब इसके अंदर पद डिवाइड हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक पद हो गया x, तो इसे एक पद बोल देंगे। अगर मैं इसको लिख दूँ 2x + 3, तो ये कितने पद हो गए सर, दो पद हो गए, ये द्विपदी हो गया। ये 2x² + 2x + 2, तो इसे क्या बोल देंगे हम, त्रिपदी बोल देंगे। यानी पदों का एयर फेयर है, जितने पद होंगे उसे उतना पदी बोल देंगे, 3 से ज़्यादा होगा तो हम उसे बहुपद बोल देंगे। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पद होंगे तभी बहुपद होगा, एक वाला है तो भी बहुपद होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, अब बहुपद को मैं दो टाइप में डिवाइड करूँगा, एक तो चर बहुपद वेरिएबल पॉलीनोमियल्स और एक कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। यानी चर बहुपद क्या हो गया, चर बहुपद, और एक आपका हो गया यहाँ पर क्या, अचर बहुपद। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। धीरे धीरे देखते जाइए, आप क्या समझाता हूँ मैं आपको कि चर का मतलब समझते हो क्या होता है, चर राशि मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सारे के सारे क्या उनसे होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं ये आपको ध्यान है, जो सारे डिजिट है 3 है 4 है, जितने भी डिजिट है वो क्या होंगे, ऑल डिजिट आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी जितने भी डिजिट है वो क्या है, अचर बहुपद के अंदर सम्मिलित होंगी और जितनी भी एक्स वाई जेड की राशियाँ हैं वो चर बहुपद के अंदर शामिल होंगी। क्या किसी बच्चे को इस बात में डाउट बिल्कुल नहीं होगा? ठीक है, सिंपल सा बता दिया, ये चर हो गया, ये अचर हो गया, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चर बहुपद को भी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले और उसके बाद में अचर बहुपद को भी हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आपको देखो पहचान करनी होगी। आपसे पहले टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक इक्वेशन आपको दे देगा और आपसे कहेगा सर बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा पावर। क्या चेक करनी पड़ेगी, पावर यानी घात, किसकी, वेरिएबल की, इसकी इसकी वेरिएबल की घात चेक करनी पड़ेगी, पावर चेक करनी पड़ेगी। अब पावर का मतलब स्क्वायर हो सकता है, 3 हो सकता है 4 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कब वो इक्वेशन बहुपद बने कि क्या पावर बने, चलिए वही हम समझते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। इतनी बात समझ में आ गई, चर बहुपद कौन सा है, अचर बहुपद कौन सा है। ठीक बात है, चलिए
अब हम चलते हैं चर बहुपद की ओर और इसी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अचर के ऊपर चलने वाले हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए मैं ये टॉपिक लगा लेता हूँ, चर बहुपद, यानी एक्स वाई जेड वाले मैं यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊँगा आपको। देखो सबसे पहले घात के बारे में बताते हैं, पावर क्या होगा, पावर यानी घात जिसे बोलते हैं, यानी कोई भी चर राशि है अगर उसकी घात, एक इक्वेशन आपको या तो x में मिल सकती है या y में मिल सकती है या z में मिल सकती है, उसकी पावर अगर एक पूर्ण संख्या है, क्या है, अगर उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद होगा। क्या होगा, क्या होगा कि चर राशि की, चर राशि का मतलब समझ गए ना, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, घात आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या का मतलब समझते हो सारे बच्चे, नंबर सिस्टम मैंने करवाया था अच्छे से आपको याद है, पूर्ण संख्या मतलब इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे होल नंबर, यानी कौन सी होती है सर, जीरो से स्टार्ट होती है, एक दो तीन डिजिट्स इनफिनिटी तक चलती है, तो ये पावर होनी चाहिए, अगर ये पावर है तो क्या है, बहुपद है, वरना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे, क्या जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दे दिया, क्या ये एक बहुपद है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसकी पावर को चेक करें, सर इसकी पावर क्या है, 2 है, और वो क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये कि ये बहुपद है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, 2x की पावर 7 प्लस में 3x प्लस में 7, क्या यह एक बहुपद है, तो आप देखो सर यहाँ पर भी 7 है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर x नहीं था, लेकिन एक बात आप जानते हो, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो कि x की पावर 0 या a की पावर 0 दोनों ही वेरिएबल होते हैं, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 7 का मतलब यही तो होता है 7 × में, और इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर, यानी यहाँ पर लिखा नहीं है, अदृश्य है, लॉजिकल है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है, और 0 1 क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका मतलब ये भी एक क्या है, बहुपद है। चलिए कुछ और हम समझते हैं इसके अंदर कि बहुपद कौन से हैं, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, एक बार अपने माइंड में बिठा लेना कि बहुपद क्या होगा, कि सर बहुपद होगा कि वेरिएबल की यानी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। और हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे आपको दे दिया 9y² प्लस में 2x की पावर 3 प्लस में 8x दे दिया, तो अगर इसमें आप देखोगे दो वेरिएबल्स इसमें x, y है, लेकिन क्या ये एक बहुपद है, तो आप यहाँ चेक करोगे सर x की पावर 3 है, एक पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पूर्ण संख्या इसका मतलब ये कि ये बहुपद है। और समझते हैं इसमें एग्जांपल हम, देखिए जैसे मैंने ले लिया 2x की पावर के ले लिए, मैंने 3 ले लिया, प्लस में मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे 5x की पावर कितना ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है, प्लस में मैंने 7x ले लिया, तो क्या बताओ एक बहुपद है, तो आपको सिंपली चेक करना है कि इसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, इसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सर बिल्कुल हमें समझ में आ गई है क्या, कि बहुपद क्या होगा, वह इक्वेशन जिसमें चर राशि की घात, जिसमें चर राशि की पावर एक पूर्ण संख्या हो, अगर ऐसा है तो वह एक बहुपद है। ठीक है, इतनी बात समझ में, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगी कि तो सर ये बताइए कि पावर कौन सी होगी जब बहुपद नहीं होगा, उस पर हम थोड़ा गौर देख कर लेते हैं। चलिए, इतनी बात आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर घात आपको ये मिले, क्या मिले, पूर्ण संख्या है तब तो है, पूर्ण के अलावा जैसे मिल गई -1 -2 1/2 3/7 √2 या x की पावर -1 इस तरह से, ये तो -1 आएगी ना पावर, अगर वेरिएबल्स की पावर ये मिल जाए दशमलव में मिल जाए 1.2, अगर इस तरह से दशमलव रूट में भिन्न के अंदर माइनस में मिल जाए, तो आपकी पावर अगर ये है वेरिएबल में तो वह इक्वेशन बहुपद नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम इसी का ही समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे x की पावर आपको 3/7 दे दी, प्लस में यहाँ पर आपको 1/x दे दिया, तो बताइए सर ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कहोगे सर इसमें तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, और इसमें x की पावर पूर्ण संख्या है कहाँ है, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बनेगा, तो माइनस वाला, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं हम, जैसे आपको ये दे दिया, क्या दे दिया कि 2x की पावर कितनी दे दी,
चार दे दी, प्लस में आपको दे दिया एक बट्टा एक्स दे दिया, और प्लस में आपको दे दिया थ्री एक्स की घात सात दे दी। तो आप चेक करोगे सर यहाँ तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, क्या ये एक पूर्ण संख्या है एक्स की पावर, क्योंकि ऊपर जाएगी तो माइनस एक बनेगी, तो माइनस आ गया। इसका मतलब पूरी इक्वेशन में ये नहीं कि एक ही होना चाहिए, पूरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पूरी इक्वेशन के अंदर आपकी जो पावर है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर बहुपद क्या कैसे होता है, कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर राशि की, अगर नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि कितनी घात का बहुपद है या कितनी घात है। तो अगर ये बहुपद है, यानी अगर कोई इक्वेशन बहुपद होगी तो उसकी घात कितनी घात का बहुपद है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तभी आपको समझ में आएगा। देखो मैंने लिया 2x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 7x प्लस में 8 दे दिया। अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया, ये पूछेगा ये कितनी घात का बहुपद है, पहले चेक करेंगे ये बहुपद है क्या। आप कहोगे सर यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर x की पावर 0 भी एक क्या है पूर्ण संख्या, जिसका मान 1 होता है, 1 को मल्टीपल करने पर 8 ही आता है। इसका मतलब क्या है, एक ये बहुपद है। हमेशा ध्यान रखना अगर कोई इक्वेशन बहुपद है, अगर उसमें घात पूछे, उसमें पावर पूछे, तो मैक्सिमम घात जो है उसको ही आपका आंसर देना है। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात कितनी है, सर आपको अधिकतम घात 3 है, तो ये कितनी घात का बहुपद हो गया, सर ये 3 घात का बहुपद हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं इस बात को, हमें दे रखा जैसे 7x की पावर दे दी, मान लीजिए 12 दे दी, प्लस में आपको 6x की पावर कितनी दे दी, 6 दे दी, प्लस में 5x की पावर कितनी दे दी, 3 दे दी, प्लस में आपको x स्क्वायर दे दिया, प्लस में 1 दे दिया। तो पर आपसे प्रश्न पूछेगा सर कितनी घात का बहुपद है, तो आपको पहले चेक करना है ये बहुपद है क्या। सर बिल्कुल पूर्ण घाते हैं सभी के अंदर, तो बहुपद है, तो अधिकतम घात जो होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी, आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। छोटे वाले नहीं लेने हैं, ठीक है, अधिकतम घात ही आपको लेनी है। तो कितनी घात का बहुपद है, सर ये 12 घात का बहुपद है। क्या बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा चर राशि कौन सी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अचर राशि की, क्योंकि अचर बहुपद भी डिस्कस किया था, चलिए उसको और देख लेते हैं अपन अचर बहुपद के बारे में। तो चर बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल समझाऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या रह गया अपना अचर बहुपद, क्या रह गया सर, अचर बहुपद रह गया, समझ आ रही है ना सबको। अचर का मतलब मैंने बताया था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने डिजिट ऑल डिजिट आठ क्या होगी कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5, जितने भी डिजिट है, जितने भी डिजिट है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, अचर बहुपद क्यों होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब 1 का मल्टीपल बराबर 2, और 1 का मतलब होता है x की पावर 0, क्योंकि 0 का मान कितना होता है 1, इसका मतलब यहाँ पर अदृश्य है, x की पावर 0 सब में लगी हुई है लेकिन अदृश्य है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे सर अचर बहुपद के अंदर काउंट होंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। x सभी के मल्टीपल में है, किसके, x की पावर कितनी 0, 0 एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये कौन से बहुपद होगे सर, अचर बहुपद होगे। तो मेरे हिसाब से आपको बहुपद में समझ में आया कि चर बहुपद कौन से होते हैं, अचर कौन से होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद कौन सी इक्वेशन को कहते हैं, पूर्ण घात है तो है वरना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप को आपको मिल सकता है, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है, अब चलते हैं। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन और यहाँ से, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद की घात तो कितनी बताओगे साथियों, ये आपको सीधा ये क्वेश्चन पूछ ले कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो पहले दिमाग में आना चाहिए अचर बहुपद क्या होते हैं, ये होते हैं, तो इसके मतलब कितनी घात है इसकी, तो घात का मतलब इसमें वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल तो है नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है, क्या है अदृश्य, एक्स की पावर 0 है, इसका मतलब कितनी घात का बहुपद है सर, 0 घात का बहुपद है, तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0, ये आंसर आपको देना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है, मैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ से एग्जामिनर आपको पकड़ेगा, आपको फंसाएगा, क्योंकि छोटी चीज़ें आप याद नहीं रखोगे, आप बड़ा करते हो, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको और आप देखेंगे कई टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। पहला टाइप करवाता हूं आपको और आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। शेषफल वाले कुछ क्वेश्चंस है, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल हम यूनिक वे में उनको समझने वाले हैं। चलिए सीखते हैं उनको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पहला ही क्वेश्चन देखो आप कि एक इक्वेशन दे दी पॉलिनोमियल की, बोल रहा है कि इसको x माइनस दो से भाग दें तो शेषफल कितना, आपसे रिमाइंडर पूछा कितना बचेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है, इससे भाग देना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाग देने वाली ये विधि जो होती है इसको करेंगे, ये इसमें लिखेंगे इससे भाग दें, ऐसा नहीं करना है। वो तो देखो एकेडमिक क्लास की प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इतना समय हमारे पास नहीं कि इस लफड़े में हम पढ़ने वाले। बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, देखो इससे भाग देना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, x माइनस टू किसकी इक्वल लेके चलोगे सर, जीरो के, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, दो, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी, क्योंकि इससे भाग दे रहे हैं तभी तो कुछ ना कुछ बचेगा। इसका मतलब x, इसको हम जीरो के बराबर रखने वाले हैं, तो x बराबर क्या आएगा, दो, ठीक है। इस वैल्यू का इसके अंदर पुट कर दोगे, जो पुट करो देखो कितना आता है, यहाँ दो की पावर कितनी होगी, दो माइनस का दो और दो प्लस में सात, तो आप देखो सर इसमें चार आ रहा है, माइनस का चार प्लस में सात, तो चार से चार कैंसिल आउट, प्लस माइनस सात बच गया, यानी जो बचेगा ना आपका वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, शेषफल होगा, यानी चीज़ तो वही बचेगी, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इतनी बात तो समझते हो कि जो चीज़ बच रही है इसका मतलब उसमें भाग नहीं जा रहा, तभी तो बच रही है, इसका मतलब ये बच गया, इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया। कुछ नहीं करना, जब भी ये चीज़ मिले आपको क्वेश्चन देख लीजिए, सेम लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको इक्वल जीरो के बराबर एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इसमें पुट कर देना, जो बचेगा वो आपका शेषफल होगा। समझ में आ गए, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, फिर आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसा ही समझ लेते हैं, आपके बाद ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस वन से इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना आएगा यही पूछा गया है, तो मैंने कहा इसको जीरो के बराबर, टेक्निकली क्वेश्चन को हैंडल करना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू माइनस वन, दिमाग में सोच लेना है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, सीधा इसमें पुट कर दीजिएगा तो कितना करेंगे, माइनस वन की पावर कितनी हो जाएगी, तीन, माइनस का चार, माइनस वन, प्लस का सात, तो माइनस की पावर कितनी कर दो, विषम पावर होगी ना, तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का तीन आ जाएगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस का क्या आ गया, चार, ये प्लस का सात, तो आपको कितना है, सात और चार ग्यारह, ग्यारह में से तीन गया सर आठ बचेगा, कितना बचेगा आठ, तो जो बच गया वो आपका क्या होगा, शेषफल। बस कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। अब की बार अपने को शेषफल निकालना था ना, अब मैं क्या करूँगा, शेषफल लेके आऊँगा पहले से और किसी वेरिएबल की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाऊँगा। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब की बार सेम बहुपद आपको दे रखा है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है, शेषफल दो बचता है, अभी पीछे क्या किया था, शेषफल निकाला था, लेकिन अब तो दे दिया शेषफल, पहले से दे दिया, दो बचता है, इसके की बतानी वैल्यू, क्या पता नहीं इस केक की वैल्यू, तो सिंपल सा करेंगे क्या, देखो प्रोसेस वही रहेगी, जब पहले शेषफल निकाल रहे थे, अब शेषफल बराबर रख देंगे, भाई बराबर में इसका शेषफल कितना आता है, दो आता है, बस सेम प्रोसेस। तो आपको भी सर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लें, एक्स माइनस दो बराबर में जीरो, एक्स बराबर में कितना रखेंगे, प्लस का दो, तो मैं सीधा रख दूँ यहाँ पर, समझ पा रहे मेरी बात को, दो रख देते हैं क्योंकि यहाँ से निकल जाएगी, प्लस में के, एक्स की वैल्यू दो रखेंगे, माइनस का पाँच, बराबर में जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, लेकिन दो दे रखा है, दो रिमाइंडर, तो इसके बराबर रख सकते हैं ना हम इस बात को, ठीक है। तो ये कितना, चार, चार ती कितना हो गया बारह, प्लस में ये कितना हो गया दो के, माइनस का पाँच बराबर में दो, तो आप कह सकते हो सर दो के बराबर कितना, दो माइनस में सात हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बारह में से पाँच जाएगा कितना बचेगा, सात बचेगा, प्लस का सात इधर जाएगा, माइनस का सात हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पाँच बचेगा, सात में से पाँच दो जाएगा सर, माइनस का पाँच और अपॉन में टू आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी है, माइनस पाँच बटे दो, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, पहले शेषफल निकाल रहे थे, अब शेषफल दिया हुआ है, बराबर रखना है, प्रोसेस वही है, कुछ ही नहीं करना, जो चीज़ पूछेगा ऑटोमेटिक उसका आंसर जनरेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जितने एग्जाम में पूछे गए हैं आपको, तो साथ साथ नोट करते हैं, रफ नोटबुक साथ रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप चक्कर खा सकते हो, कैसे खा सकते हो कि क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको और आपको ये समझ में नहीं आएगी कि मेरे को निकालना क्या है। देखो जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर चुका है उसको तो आराम से आ जाएगा, वरना ये क्वेश्चन आराम से नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखो कि एक बहुपद दे रखा है, में क्या घटाना है, इसमें से हम क्या घटाएं कि ये बहुपद इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई संख्या पूर्णतः कब विभाजित होगी, जब उसमें जो रिमाइंडर बचता है ना वो रिमाइंडर निकाल के फेंक दें, यही तो होता है। कहने का मतलब एक चीज़ समझो, जैसे मान लीजिए 13 है,
13 को 2 से, 2 से कि 13 में से क्या घटाएं कि 2 से पूर्ण डिवाइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं इसमें 13 के अंदर भागे तो देंगे इसका, तो देंगे तो 6 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें से क्या घटा दें कि ये पूरा पूरा, अब इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 12, तभी तो ये डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या घटाया आपने, शेष घटाया, क्या घटाया, शेषफल घटाया। इसका मतलब अगर इसको विभाजित करना है इससे पूर्ण है, तो इसका मतलब क्या घटाना पड़ेगा, शेषफल, और हमें क्या निकालना है, शेषफल। और अभी पिछले क्वेश्चन हमने क्या सीखा था, 3-4 क्वेश्चन किए ना पीछे, उनमें क्या सीखा है, शेषफल निकालना। कैसे, इसको 0 के बराबर रखकर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, जो बचता है वो आपका शेषफल होता है। यही तो सीखा है, या घटाने वाला है वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या निकलवाना चाहता है आपसे, शेषफल निकालना चाहता है, क्या, शेषफल। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर x की वैल्यू यहाँ से माइनस की 2 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 के बराबर रख दें, इसको यहाँ पुट कर दें। चलिए कर देते हैं, तो यहाँ करेंगे तो 3 और माइनस 2 की पावर कितनी, 2 प्लस में 7 और माइनस का 2 माइनस का 4 पुट कर दें, तो आपको सर माइनस की पावर सम है तो प्लस 2 2 4 4 की 12, और यहाँ पर माइनस 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 14 और माइनस का 4 हो जाएगा, 4 18 हो गया, 18 में से 12 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, सर माइनस का 6 बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक बात ध्यान से समझना, ये आंसर कब हुआ, जब आपको ये पूछे ना घटाने वाला, ये पूछा कि क्या घटाएं, तो जो आंसर आ रहा ना सेम वही आंसर है। अगर इसकी जगह ये होता ना जोड़ने वाला, अगर इसकी जगह ये होता कि क्या जोड़े, तो आपको क्या करना है, देखो घटाने के लिए तो ये हो गया, घटाने के लिए तो घटाना है तो आपको सेम आंसर करना है। अगर जोड़ना होता, अगर ये क्वेश्चन में देते कि जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस की जगह क्या लिखना पड़ता, सिर्फ प्लस का 6 लिखना पड़ता, वो हो आपका उत्तर होता। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके अंदर कन्फ्यूज हो सकते हो। पहले तो आपको ये सीखना है कि क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकाल तो लोगे, जब घटाना लिखा ना तब तो कुछ छेड़ना नहीं है, सेम को सेम टू सेम उत्तर होगा। जब यहाँ जोड़ना लिखा होगा ना, तो जो उत्तर है उसका अपोजिट लिख देना है साइन लगा के, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, ठीक है, पहले शेषफल निकालना है, फिर चेक करना है, घटाना है तो सेम उत्तर हो ही जाएगा, जोड़ना लिखा होगा तो उस सेम उत्तर का उल्टा कर देंगे, वो आपका जोड़ने वाला उत्तर हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आएगा, चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जोड़ने वाला, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से और समझते हैं। अभी मैंने देखो जोड़ने वाला ले लिया, ठीक है, पहले घटाने वाला था, वो बात आपने समझी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या जोड़े, इसका मतलब निकालना क्या, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए, हमें निकालना है शेषफल, क्या निकालना है, शेषफल। शेषफल कैसे निकालते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू सिर्फ प्लस की 1 आएगी कि नहीं आएगी, इसको 0 बराबर प्लस 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको इसे पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर दीजिएगा, तो 3 और 1 का स्क्वायर प्लस में 7 और 1 प्लस में 4, तो आपको सर यहाँ 3 आ गया प्लस में 7 आ गया प्लस में 4 आ गया, 7 और 3 10 और 14 आ गया, अब देखो 14 आ गए। अब एक बात याद रखना, जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा ना, ऑप्शन मिलेगा तो ये ऑप्शन मिलेगा, एक 14 का मिलेगा, एक माइनस 14 का मिलेगा, एक सी 0 मिल सकता है, एक डी आपको कोई और संख्या देते, मान लीजिए कुछ दे दिए, तो जैसे आपने जोड़ने वाला क्वेश्चन मिला आपको, आपका आंसर 14 है, तो भाग के आपको इस पर टिक करोगे और ओमार फिल भाई मेरे को आंसर आ गया। जब आंसर की आएगी ना, तभी आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या था, जोड़ने वाला, ये उत्तर किसका था, माइनस का। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो उत्तर आएगा ना ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जो भी उत्तर आ रहा है वो घटाने वाला उत्तर आ रहा है, किसका आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको, तो ये किसका हो गया, घटाने का आंसर हो गया, किसका हो गया, घटाने का आंसर हो गया। अब जोड़ने वाला जब लिख रहा है ना, तो जोड़ने वाले का पूछा तो इसका आंसर आपको -14 देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बस यही क्वेश्चन का आंसर है और ये ऑप्शन वहाँ करना था, लेकिन आप ये करके क्योंकि आपका उत्तर आया है और आप बिल्कुल सही हो आपकी जगह, लेकिन थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यही तो कहता हूँ कि कोई टॉपिक छोटा नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि पॉलीनोमियल छोटा सा टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन हम आराम से कर लें, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, बारीकियाँ नहीं समझोगे टॉपिक की, तब तक कोई चीज़ें आसान नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ, और आज हम इतना ही करेंगे,
पॉलिनोमियल को कुछ आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और डिस्क्राइब करूंगा और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको एक बता देता हूं, ये तो मैं एनटीपीसी के लिए करा रहा हूं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना चाहता है तो उसके लिए तो ये क्या है, रामबाण है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है तो ये टॉपिक देख लेना, और आप अगर इसे कंटेस्ट कर लेते हो जो चीज़ मैं बता देता हूँ, तो दो से तीन क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक, तो आज के सेशन कैसा लगा, वीडियो लाइक और कमेंट करके आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है जिससे कि हमारी YouTube फैमिली क्या उसके बड़ी हो सके। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, पटवार की क्लास भी डेली देखो, आपके बहुत बड़ा फायदा है कैसे कि तीन क्लास चल रही है आपकी, NTPC की चल रही है, NTPC में एक अलग टॉपिक चल रहा है, पटवार में एक अलग टॉपिक चल रहा है, CTET में, यानी तीन तीन टॉपिक चल रहे हैं, और तीन तीन टॉपिक आप एक वीक में आराम से पढ़ सकते हो। तो कितना अच्छा फायदा है अगर आप कंटेस्ट चीज़ों को पढ़ो, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है, रूटीन में तैयारी करनी है और कुछ नहीं है। चलिए आज के इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।